हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं केले का कोफ्ता का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने केले को अच्छे से उबाल लिया है। अब मैं इसका छिलका निकाल दे रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने छिलका उतार दिया। अब मैं इसे अच्छे से मसल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है। अब मैं इसमें देखिए कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये ऐड कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा नमक है, नमक आप स्वाद अनुसार अपना डालिए। ये थोड़ा सा धनिया पाउडर है दोस्तों, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये आधा कटोरी मैंने इसमें मैदा डाल रही हूँ। और इन सबको अच्छे से मिला देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छी तरह मिला लिया है। अब इसे छोटे छोटे लोइया बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारा लोई बना लिया है। अब मैं गैस को ऑन करती हूँ इसको तलने के लिए। ये देखिए दोस्तों, कढ़ाई मेरा गरम हो गया है। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, तेल मेरा गरम हो गया। अब मैं इसमें पकौड़ियाँ ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे दूसरी तरफ पलट दे रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे छोटे छोटे बॉल या गोल्डन कलर का हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, देखिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे छोटे छोटे बॉल्स थे जो तल लिए हैं। अब मैं इसका ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। ग्रेवी के लिए देखिए दोस्तों, मैंने दो टमाटर ऐड किया है, एक मिर्ची है, आधा इंच अदरक है। अब मैं तीनों को पीस लेती हूँ मिक्सी में। ये देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई से तेल निकाल दिया। अब मैं गैस को ऑन करती हूँ। अब कढ़ाई गर्म हो गया दोस्तों, मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये तेज़पत्ता, ये दालचीनी का टुकड़ा और ये जीरा कुछ है, मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। कलर के लिए दोस्तों, मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर यूज कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च। ये देखिए दोस्तों, मैंने पेस्ट जो पीसा है उसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसे 5 मिनट तक ऐसे ही भूनते रहूँगी जब तक ये तेल ना छोड़ दे। ये देखिए दोस्तों, मसाला तेल छोड़ दिया। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। एक गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा और भी इसमें मिला सकते हैं। और पानी को अच्छे से उबाल आने तक ला इसको ढक देना है दोस्तों। ये देखिए, इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिए।
अब मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब मैं सारे बॉल्स को इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको 5 मिनट तक ढक्कन लगा कर रख रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब ये कोफ्ता हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको पसंद आया तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। थैंक यू।